I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. आज बच्चों के नए कपड़े और स्कूल की नई बैग दिलाने का था बोल के कल रात 300 रुपए का मटका जुआ खेल लिया और 2000 रुपए जीत गया, लेकिन वो खाली आइटम ने मेरे जमीर और मेरी जेब को ऐसा ललकारा कि पूरा का पूरा 2000 रुपया उस पे उड़ा दिया। उस आइटम के सदमे से बाहर आया ही था कि दूसरा सदमा शुरू हो गया। आज सुबह सुबह फिर से छब्बो ने दिमाग की दही। तेरी बहुत जबान चलने लगी क्या आजकल है? तेरा भाई वो रफीक जिसके अभी मूंछ के बाल नहीं निकले हैं, वो साला भिंडे बाजार में बाकड़ा बाकड़ा क्या चला रहे है? वो अपने आप को देर छड़ समझता है, अब वो मुझे समझाएगा कि पैसे मुझे कैसे कमाने है? अरे अरे वो ऐसा वैसा नहीं है भाई, है मेरा भाई, है मेरा भाई, है तेरा। तू अपना तुझे यहाँ रहना तो नहीं, तो अपना सामान उठा और अपने भाई से चुपचाप निकल जाते। मुझसे बकवास नहीं करना, मैं टैक्सी चलाते चलते यहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैं सऊदीया नहीं जाऊंगा। तू अकेली जा, चाहे मर, कुछ भी कर, मत जा मत जा, मैं छोड़ कर जाऊंगी घर। घुमा के दू तुझे। सुबह सुबह जब तू मेरी टैक्सी में बैठा तो मैं बहुत टेंशन में था, तो सोचा दो चार बड़े भाड़े मार लूं, उसके बाद बीवी बच्चों को मनाने चला जाता हूं। शब्बो ठीक कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करूं भी तो क्या, मेरे बच्चों ने मेरे पैरों में जंजीर डाल के रखी है मोहब्बत की, वरना कब का बाहर चला जाता। लेकिन अब साला जाऊंगा। तू तो लोगों को बाहर गांव भेजता रहता है ना, मुझे भी ड्राइविंग के लिए भेज, रख लूंगा अपने दिल पे पत्थर, 2-3 साल में एक बार घर आने को मिलेगा, चलेगा। बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगा, चलेगा। कम से कम साले बड़े होकर ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। और भी तो कितने बाप लोग हैं जो अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी औलादों से दूर रहते हैं, मैं भी दूर रह लूंगा। कभी कभी तो डोट होता है कि भगवान है कि नहीं है? भगवान है, है? चाचा, चाचा। अरे आप मिल गए, समझो भगवान भी मिल गया। आइए 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 बैठिए बैठिए प्लीज। हे फारूक। जी बाबा। यही है क्या? जी बाबा। हाँ हाँ, मिला लो हाथ, मिला लो। आजकल तो बिना हाथ मिलाए नेता लोग देश भी नहीं चला सकता है, तो तुम्हारा लोग का लाइफ कैसा चलने वाला है? ए, तेरे को कितना मिलने वाला है? हाँ 5 लाख। चलता है रे, तेरा 5, इसका 2.5, उसका समथिंग, उसका समथिंग, उसका है। तू कौन है? आई एम विष्णु परब। तो आई एम पुलिस ऑफिसर। अच्छा रेवाड़े, चल चल। हाँ चल। हाँ ए, तू कौन है रे? मैं बोलना भाई, ये गाली बाबा है। इनकी जो गाली खाते हैं उनको और कुछ खाने की जरूरत नहीं चाचा। हाउ रोमांटिक। चलो बाबा, तारे आपरे आपरे जरा जल्दी चलो। क्या कर रहा है? यस चलो, इस नंबर पे फोन मारो, मेरे को इनके हवाले करो और अपना अपना भगवान को अपने घर लेके जाओ। चलो चलो। मैं समझा नहीं अंकल, फोन करो, हवाले करो, भगवान को घर लेके जाओ। डोंट प्रिटेंड विलियम, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मालूम है। अंकल चाचा आई लव यू। भगवान को घर ले जाने का मतलब? तुम सब लोग का भगवान है पैसा, और ये इस पेपर के अंदर है, उस पे टेलीफोन करोगे तो नरीमन पैसा देगा, और आपस आपस में पैसा बांट कर अपने अपने घर को चले जाना। फिर तुम्हारा भगवान कौन? पैसा, और मैं तुम्हारा बम्पर ड्रॉ। ए गाली बाबा, तू किधर जाता है? मैं अरे मैं क्या करता है? यू बाबा ब्लैकशिप उधर ही खड़ा रहे चुपचाप, अभी तक मेरा बात खलास नहीं हुआ। जल्दी बाजू हटी ताबूत की माफी, जेल लो बुड्ढे को, जेल लो बाजू हटी। उपोस्ते बिठा, अंधेरी पर बिठा। आई नो तुम सबका ये पैसा लेने के पीछे इंटेंशन क्या है। चलो
मुझे घर पहुंचा के अपना प्रॉब्लम से बाहर आ जाना। जिस गलती की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, जिस दिन उससे बाहर आएगा उस दिन के बाद फिर कभी किसी पेस्तनजी को घर पहुंचाने के लिए पैसे का लालच नहीं करना। और ये फारूक, इसका सबसे बड़ा गलती ये है कि अपना बच्चे लोग को ये बहुत लव करता है, पर वो लोग का फ्यूचर सिक्योर करने की उसको चिंता नहीं है। जिस दिन वो अपना फालतू ईगो बाजू में रखकर अपना वाइफ का बात समझेगा ना, उस दिन वो सुखी रहेगा। विलियम ने प्यार में अंधा होकर अपना रिसेप्शनिस्ट लड़की पे भरोसा किया, इसीलिए धोखा खाया। और ये साला अंधेरीपुर अपना बहन को लव एंड केयर करने का दावा करने का गधेड़ा, वो उसका बचपन के अंदर दो बूंद पोलियो का जो पिला लेता होता ना, तो आज ये वक्त नहीं होता। अपना गवर्नमेंट साला बेचारा माथा फोड़ फोड़ के रिक्वेस्ट कर करके मर जाता है कि बच्चों लोग को ड्रॉप दे पोलियो का ड्रॉप दे, पर नहीं साला, तुम लोग अन्नारी इडियट कभी समझता ही नहीं, फिर ऐसा वक्त आता है भुगतने के लिए। हाँ ए सुंदरलाल, फिर आ गया। इधर आ, ये वही है सुंदरलाल। अरे इधर आ। तुम लोगों को पता है कि आप लोगों से इसने 25,000 रुपया क्यों नहीं मांगा? हाँ, इसने बताया नहीं। अरे तुम लोगों ने पूछा भी नहीं। ये अपना भाई को एजुकेट करने के वास्ते उसका अंकल के पास उसने 20,000 रुपये का कर्जा लिया। पण मेरी बेटी के साथ उसका लगन कर देना, इसने ना बोल दिया। हाँ क्यों उंगली करने जा रहा है? काय को मना कर दिया? अच्छी बात थी, कर्जा भी उतर रहा था, लड़का भी घोड़ी पे चढ़ रहा था। अरे चुप, चल रहेला था, उतर रहेला था, बेवकूफ गड्ढा, बिल्कुल स्टुपिड टपोरी है तू। पहले उसको पूछ के इसने क्यों मना किया था। अरे बोल रे, बोल। ओ लड़की बड़ी रंगबाज थी। ओ, मतलब चंटालू। तुम लोग उसका बात सुनेगा कि नहीं, कि उठ के वापिस मैं चला जाऊंगा? नहीं 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 नहीं, अभी वापस नहीं भागने का प्लीज। ए भारू भाऊ, क्या चुप बैठो ना यार। रंगबाज बाबा, लड़की रंगबाज थी, पूरे गांव के लड़कों के साथ इश्क करती फिरती थी, इसलिए हम मना किए। तो चाचा बोले 20,000 के जगह शुद्ध मिलाई का 25,000 देना, वो भी 2 महीने के अंदर। अब हमरी गांव का हाल का बताएं, पूरे साल भी हम मजदूरी करते तो 25,000 रुपये नहीं जुटा पाते, इसलिए हम मुंबई चले आए। लेकिन वो मेरे को सच्चे दिल से अपना चाचा समझता था, इसीलिए उसने बोला कि चाचा को घर पहुंचाने का कीमत मैं नहीं ले सकता हूँ, ऐसा बोल के वो चला गया। मैं तो नहीं आने वाला था तुम लोग के लिए, पर इस गधेरे ने मेरे को इंसिस्ट किया और बोला। ओ बेचारा विलियम भैया बहुत परेशान होंगे, उनके सर पे 10 लाख का कर्जा है, कर्जादार उनका तिया पाचे कर देंगे, टैक्सी वाले भैया का भी बीवी बच्चों का खुशी का प्रश्न है, और वो अकलाने वाला भैया का बहन का भी जीवन का प्रश्न है, वो सब आपके कारण ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए चलिए चाचा। चाचा भैया आप हमको माफ कर दो, आप तो संत आदमी हो। तू 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 लिख के दे देना है, तुम हमारे पास ही रहोगे यहाँ पे, ठीक है? तुम चिंता मत करो, तू ज्यादा मत बताना, कंफ्यूज हो जाएगा। चाचा आपका बेटा आपको घर वापस बुलाने के 50 लाख क्यों दे रहा है? मतलब इतने पैसे क्यों? ये उससे पूछ कि मैं इतना कीमती क्यों हूं। लेकिन चाचा घर से भागने की कुछ तो वजह होगी। तेरे को कौन बोला कि मैं घर से भागा? हा? अगर भागे नहीं होते तो अब तक घर चले गए होते, इनके साथ पूरा दिन टाइम पास नहीं करते। शर्ट में दिमाग है बे। क्या बात है परम साहेब, पुलिस वाले हो ना, बाल की खाल निकालना बरोबर जानते हो। कुछ नहीं किया ना बेटा, मुझसे गालियां खा। मैं घर से इसलिए भागा क्योंकि मेरा बेटा मेरे को मारता था। आ, 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 आ,
वो होता है ना बेल्ट, बेल्ट, ये बेल्ट इससे मारता था मेरे को। सत बाबा दादा और अरे खुदा बाबा वो मारा बाप मारा बाला भी बाबा पूरा पाक पर देगा रे बरोबर से खाना भी नहीं देते थे वो लोग। जब भी खाने को जाता था तो हमेशा किसी ना किसी तरीके से मेरा खाना गिरा देते थे वो लोग। कभी कभी तो टॉयलेट का दरवाजा बाहर से लॉक करके दोनों काम पे चले जाते थे और शाम को आकर खोलते और बोलते सॉरी पापा शट द डोर बाय मिस्टेक चलो अभी जाओ। ना मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने देते थे मैं अकेला पड़ गया था बिल्कुल अकेला और अकेला आदमी किससे बात करेगा मैं छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढने लगा फिर मैं भी अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बेचारा वॉचमैन जैसा गरीब लोगों पे उतारने लगा और एक ही बात सोचता था कि मेरे से कौन सी ऐसी मिस्टेक हो गई जो मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा बैडली बिहेव करता था और एक दिन इस बात का आंसर मुझे मिल गया। तूने फिर से पेपर पे साइन करने से मना कर दिया ना हाँ। क्यों नहीं मानता है मेरी बात क्यों नहीं मानता Listen to me, old man. Listen to me. If you don't sign on those papers, I will kill you. No. I will kill you, you idiot. No, nothing can happen. Nothing can happen. Nothing can happen. I'm not going to do it. You're not going to do it. No. I'm giving you one day. I'm giving you only one day, you idiot. No. You sign on those papers. No. Or you're dead meat. No, nothing can happen. Nothing can happen. Nothing can happen. Nothing can happen. I'm not going to do it. Why are you harassing me? Why are you harassing us, huh? Ja, tu yahi. Get out from here. I don't want to kill him. I will kill him. Go to hell. Nahi karwalo. अभी अभी आपने कहा कि हम सब अपनी गलती की वजह से अपना कल और आने वाला कल खो चुके हैं पर आपने तो कोई गलती नहीं की तो फिर आपका बेटा ऐसा क्यों कर रहा था? नरीमन मेरा बेटा नहीं है मेरा क्लोज फ्रेंड होमी का बेटा है मेरी कोई औलाद नहीं थी मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और मेरी वाइफ के गुजरने के बाद होमी ने नरीमन को मेरी गोद में दिया और बोला कि आज से नरीमन तारो निकरो छे उस टाइम मेरे को लगा कि आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड लेकिन अब लग रहा है कि मेरे से जास्ती बद नसीब इस दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा कोई नहीं होगा। नरीमन के इस क्रूर व्यवहार की कोई तो वजह रही होगी? हाँ वजह थी। क्या? उसको 50 करोड़ रुपया मिलने वाला था। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.